हमारा नया साल एक हैप्पी न्यू ईयर होगा। इतना ही कह सकता हूँ कि इस साल हमारे हाथ खाली नहीं होंगे। ये बात कही वीजी सोमानी ने बीतते साल के सबसे बड़े सवाल के जवाब में। सवाल क्या? कोरोना की वैक्सीन कब बनेगी? सोमानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, माने भारत में कौन सी दवाई चलेगी और कौन सी नहीं, इसका फैसला उनके ही हाथ में है। भारत में भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जाइडस आदि कंपनियां वैक्सीन बनाने की रेस में आगे चल रही हैं। इन्हीं में से एक कंपनी यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में वैक्सीन की प्रोडक्शन और पैकेजिंग देखने के लिए पहुंचे इंडिया टुडे के राहुल कंवर। राहुल ने SII के CEO आदर पूनावाला से भी बात की। पूनावाला ने बताया कि सबसे पहले उन शीशियों को अच्छे से धोने का काम होता है जिनमें वैक्सीन को स्टोर किया जाना है। इसके बाद इन्हें हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन या पॉल्यूशन के खतरे को कम करने के लिए। इस पूरी प्रोसेस को मानवीय हस्तक्षेप से दूर पूरी तरह ऑटोमेटिक रखा जाता है। शीशियों को ठंडा करने के बाद ये अगली मशीन के नीचे जाती है जहाँ इनमें वैक्सीन की डोज भर दी जाती है। शीशी पर सील लग जाती है और ये पैक हो जाती है। इसके बाद वैक्सीन की इन शीशियों को एक स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग से गुजारा जाता है। जो शीशी जरा भी गड़बड़ होती है वो रिजेक्ट हो जाती है, बाकी पास। कोविशील्ड वैक्सीन को 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पर स्टोर करना होता है। इसके लिए बड़े कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर ली गई है। आदर पूनावाला का कहना है कि चाहे अभी कोविड वैक्सीन की बात हो या इससे पहले रोटा वायरस या पोलियो जैसी वैक्सीन की बात हो रही हो, कभी कभी कुछ साइड इफेक्ट सामने आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों में देखे जाते हैं और ये साइड इफेक्ट्स गंभीर नहीं होते। बुखार, सरदर्द जैसे लक्षण रह सकते हैं, वो भी 2 या 3 दिन के लिए। आदर ने दावा किया कि वैक्सीन के ट्रायल में किसी साइड इफेक्ट की बात सामने नहीं आई है। अब सवाल आता है कि कितना तेज ये काम हो रहा है। आदर पूनावाला ने बताया कि फिलहाल SII में 5000 कोविड डोज पर मिनट तैयार की जा रही हैं। उनका दावा है कि फरवरी तक ये रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। वैक्सीन की एक शीशी में 10 डोज होती हैं। एक आदमी को 2 डोज की जरूरत होती है। इस हिसाब से एक शीशी से 5 लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है, लेकिन शीशी खुलने के बाद 4 से 5 घंटे में ही इस्तेमाल कर लेना होता है, क्योंकि एक बार खुलने के बाद 4 से 5 घंटे में वैक्सीन खराब हो सकती है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठा पटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।